हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फुल लॉन्ग हेयर कटिंग कैसे करें, लंबे बालों की कटिंग कैसे करें। काफ़ी ज़्यादा हेयर इनके डैमेज हो गए थे तो ज़्यादा शॉर्ट भी करने पड़ गए, तो इस तरीके से आपको कटिंग समझ में आ जाएगी लॉन्ग लंबे बालों की कटिंग कैसे करें। और हाँ गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है प्रीत तिवारी 24 से, वहाँ पे आपको मेरी पिक्स और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल, सॉरी वीडियो नहीं, पिक और जो भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और हाँ, मैंने एक और चैनल बनाया है ब्लॉगिंग चैनल, तो जिसको भी ब्लॉग में इंटरेस्ट हो मेरे ब्लॉग में, तो आप प्लीज़ उस चैनल पे चले जाइएगा। जो भी मेरा मतलब कुकिंग करते हुए मुझे देखना चाहते हैं, घूमते हुए देखना चाहते हैं, कैसे मैं अपना घर संभालती हूँ, कैसे बच्चों को संभालती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सब देखना है तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे चल जाइए। मेरे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो वहाँ पर जाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा जैसे आप लोगों ने इस चैनल पर मुझे सपोर्ट किया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लंबे बालों की कटिंग कैसे करें, तो चलिए देख लीजिए। पूरा वीडियो एंड तक जरूर कीजिए देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप इनके बालों की क्वालिटी तो अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज हैं और अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। नीचे से पूरे हेयर ख़राब हो गए हैं। कम से कम 10-12 इंच तक इनके हेयर की कटिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को, सॉरी मुझे करनी पड़ेगी, आप लोग तो देख के सीख रहे हो। तो काफ़ी अच्छे हेयर हैं, बट कर लिए हैं, बट नीचे से ख़राब हो गए हैं, तो डैमेज हेयर कट कर देने चाहिए, नहीं तो आपके बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती और अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इनके डैमेज हेयर को कट करूँगी। और हाँ गाइज, आपने अगर मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, प्रीत तिवारी इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, वहाँ पे मुझे मेरी ब्लॉगिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। जो भी मेरे ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ वहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और यहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो मैं इनके बालों को अच्छे से सुलझाऊँगी और काफ़ी थोड़ा सा टाइम लूँगी सुलझाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हेयर हैं। और जब आपको लगे कि बाल अच्छे से सुलझ गए हैं, अच्छे से गीले हो चुके हैं, तो बालों की बीच से मांग निकाल लेंगे, मतलब मिडल पार्टिंग कर लेंगे बालों को और फिर से अच्छे से कॉम कर लेंगे। ओके, तो चलिए कॉम करते हैं। और आप लोग मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हो, प्रीत तिवारी से मेरी FB ID है, और इंस्टा पे भी प्रीत तिवारी 24 से है, तो प्लीज़ सब जगह फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पे आप लोग को मेरी अच्छी अच्छी पिक्स देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने कॉम कर लिया है, अब मैं पतले वाले कॉम से अच्छे से कॉम कर रही हूँ ताकि बाल अच्छे से सेट हो जाएं और कटिंग बिल्कुल भी हमारी बिल्कुल भी ख़राब ना दिखे और इनके हेयर भी हेल्दी दिखें। जब बाल हमारे ख़राब हो जाते हैं ना, तो लंबे बालों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके बाल हेल्दी और सुंदर ना दिखते हों, तो मान लीजिए इनके बाल ही लंबे हैं जो आप देख रहे हो कस्टमर को मेरी, इनके बाल लंबे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा है, नीचे से बाल कितने ज़्यादा डैमेज और ख़राब दिख रहे हैं। बालों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाल मतलब इक्वल दिखने चाहिए, वॉल्यूम दिखना चाहिए इनके बालों में। ऊपर से वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, बट नीचे का देख रहे हो, अब पूरा कटिंग हो जाएगा तो इनके बालों की वॉल्यूम देखिएगा कितना अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी बालों को लॉन्ग करने के पीछे मत भागिए। लॉन्ग बाल अच्छे लगते हैं, लॉन्ग रखिए, बट हेल्दी भी रखिए और ब्यूटीफुल भी रखिए, और वॉल्यूम दिखना चाहिए बालों में, तभी लंबे बालों की खूबसूरती दिखती है। ऐसे इस तरीके से लंबे बाल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इनके बालों को काफ़ी देर तक कॉम किया, अभी मुझे लग रहा है कि सही हो गया, अभी कटिंग करने के लायक हो चुके हैं, तब मैं कटिंग करूँगी। तो मैं इतने हेयर इनके कट करूँगी, तो आप देख सकते हो पहले मैं इनके बालों को फिंगर में अपने पकड़ लूँगी अच्छे से इस तरीके से कॉम करते हुए। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप बोल्ड लुक में आइए, अपना लुक इंक्रीज कीजिए, बट मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ नेचुरल, मतलब जैसी हूँ मैं सिंपल वैसी ही दिखाऊं, कुछ दिखावा ना हो, कुछ एक्स्ट्रा ना हो, मतलब जो हूँ मैं वो मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करती हूँ। जैसे मैं कभी तैयार होती हूँ तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती हूँ। तो देखिए इतने ज़्यादा हेयर मैंने इनके कट कर दिए, ओह माय गॉड, बट ये हेयर का कोई फ़ायदा नहीं था, डैमेज हो चुके थे। अब इनके बालों की क्वालिटी देखिए और पहले की देखिए, अब इनके बालों को अच्छे से कॉम करके चेक कर लीजिए कि कहीं से ऊपर नीचे छूटा तो नहीं है, और जो छूटा हो उसको दोबारा से अच्छे से कट करके एक बराबर कर दीजिए। तो बस इनके बालों की कटिंग मैं स्ट्रेट ही करूँगी, लेकिन फाइनल लुक आप देख लीजिएगा। और बाद में मैंने इनकी चोटी भी दिखाई हुई है कट की हुई, तो वो भी देख लीजिएगा आप। तो ये देखिए अच्छे से एकदम इक्वल हेयर हो गए हैं और अच्छे से कटिंग हो चुकी है। तो चलिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ इनके बालों को कि कैसी लग रही है इनकी कटिंग। ओके, और ये देख सकते हो नीचे फ्लोर पर हेयर, मैंने कैमरा हाथ में ले लिया और इनके बालों की कटिंग दिखा रही है। देखिए एकदम एक बार स्ट्रेट हेयर कट हुए हैं,
और काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा लुक भी आ रहा है अभी, पहले से तो काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हो फ्लोर पे गिरे हुए हेयर्स, और ये जो भी थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा लगे उसको आप कट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ से मैं कॉम करके चेक कर ले रही हूँ, बट कट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कट हो चुका है। तो अभी हम लोग छोड़ देंगे और सूखने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ पाऊँ। और ये है इनकी चोटी, ये देखिए मैंने हाथ में पकड़ के इस तरीके से पिक क्लिक की थी। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और कटिंग भी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और उस वाले चैनल पर जाके इंडियन यूट्यूबर दीप तिवारी पे मेरी ब्लॉगिंग वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं। बाय बाय।